माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक रूल और दो अमेंडमेंट हैं, जिसे अगर हम कंप्लीट कर ले तो हमारा ये चैप्टर जो है वो हमारी मुट्ठी में आ जाए। इट मींस हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी, रूल 5। ये क्या बताता है, आइए सुनते हैं इसकी बातें। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, कि वो पर्सन जो कि कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर रहा है, हैज़ टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। उसको कुछ शर्तें हमारी हैं जो मानी पड़ेगी, ठीक है। ही इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। सर, ये कैजुअल टैक्सेबल क्या पर्सन होता है, आपने पहले भी हमें नहीं बताया था, इस बार भी नहीं बताऊंगा, आगे फ्यूचर में जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे टॉपिक है प्रॉपर वहां मैं बताऊंगा। लेकिन एक थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जो रेगुलर डीलिंग नहीं करता सप्लाई की, कभी कभार, एक दो तीन मैक्सिमम। ये माधुरी दीक्षित का फैन है। माधुरी दीक्षित का एक गाना था उनका, एक दो तीन बस यूट्यूब पे सुनना आप, ठीक। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये वो लोग हैं जो कम सप्लाई करते हैं, एक दो तीन ही ट्रांजेक्शन्स करते हैं मैक्सिमम। और इसी का एक भाई है नन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये वो लोग हैं जो सप्लाई रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, कभी कभार दो तीन सप्लाई इनकी मैक्सिमम पाई जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है वो हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर नंबर 7 रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। पहली बात ये, रूल 5 क्या कहता है, कुछ कंडीशंस हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको कंपोजिशन लेवी करना है तो आपको हमारी कंडीशंस माननी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, द गुड्स held in stock by him have not been purchased from unregistered supplier। ये सबसे खतरनाक ट्रांजेक्शन है कि आपके पास, जब हम आपकी 1.5 करोड़ की लिमिट चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि आपका कोई भी सामान ऐसा खरीदा ना हुआ हो जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से हो। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यू हैव टू पे द टैक्स। सबसे पहली कंडीशन, आप का पास जो भी सामान है वो ऐसा सामान ना हो, ऐसी परचेज ना हो जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज किया हो। सेकेंड, अगर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे आप पे टैक्स बनता है तो अभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी मेरी सप्लाई पे वो परसेंटेज अप्लाई है, लेकिन मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आ गया बेसिस पे, तो मुझे उसी रेट पे टैक्स देना पड़ेगा जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में टैक्स देना पड़ता है। इट मीन्स नॉर्मल चार्ज का टैक्स रेट रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा। ही सेल पी टैक्स अंडर 1994, वही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात यहाँ पे बताई गई है। ओके, नाउ ही वॉज नॉट इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वो शामिल नहीं हो सकता मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। कैसे, आइसक्रीम हो गया, पान मसाला, टबैको प्रोडक्ट, एडिबल लाइट्स कंटेनिंग कोका, और वेदर और नॉट है, मतलब हो सकता है उसमें कोका हो या ना हो। ये कोका वो होता है जो कुछ आइसक्रीम में ब्लैक ब्लैक डला रहता है ना, ये उसको कोका बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद कुछ बातें और कही गई यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। ही शैल मैंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इसके लिए आप लिख सकते हो ये खबर छपवा दो अखबार में। क्या खबर छपवानी है कि भाई साहब, वो एक दीवार मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें उसके हाथ पे लिख दिया गया था मेरा बाप चोर है। तो उसी तरीके से ये जो कंपोजिशन स्कीम में आ चुका है, इसके बोर्ड पे, दुकान के बाहर जिसका बोर्ड है श्री घनश्याम लाल, जो भी नाम है इस भाई साहब का, उसके बोर्ड के ऊपर टॉप में लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहा है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता अपनी सप्लाईज के ऊपर। तो इसके लिखने के बाद क्या होगा कि कोई भी बंदा उससे परचेज करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि भैया मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना नहीं है, क्योंकि ये मुझे दे नहीं सकता। और दूसरी बात क्या कि सभी लोग इसे ट्रांजेक्शन्स करते समय थोड़ा सा, जो टैक्स में रजिस्टर्ड है उसको पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा तो इससे परचेज नहीं करेगा। ओके, एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ द सप्लाई, तो भैया टैक्स इनवॉइस नहीं रेफर कर सकता तो बिल ऑफ सप्लाई रेफर करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो नॉर्मल टैक्स फॉरवर्ड टैक्स 9-1 के अंदर कवर्ड होते हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, और जो 9-1 के अंदर कवर्ड नहीं होते, लाइक कंपोजिशन स्कीम वाले लोग, ये इनवॉइस का बिल तो जनरेट कर नहीं सकते, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हम इनका जो रसीद चेक करते हैं, जो रसीद ये काटेंगे, उसका नाम होगा बिल ऑफ सप्लाई। नाउ एक चीज और कही गई, ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस,
जो भी ये नोटिस इशू करेगा, साइन बोर्ड डिस्प्ले करेगा प्रोमिनेंट प्लेस पे या फिर प्रिंसिपल प्लेस पे बिजनेस के, या कहीं भी एडिशनल प्लेस होगा वहाँ पे इसको एक बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखना पड़ेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कि ये इस स्कीम में टैक्सेबल पर्सन है, ऐसा आपको पहले से बता के रखना होगा। तो ये एक छोटा सा आपके लिए था टॉपिक। और एक चीज़ नोट यहाँ पे आप ले सकते हो, नोट ये है कि दिस इज नो रेस्ट्रिक्शन, या मेरे हिसाब से देयर वर्ड होता तो और अच्छा लगता, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंपोजिशन सप्लाई टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम इंटरेस्ट रेट सप्लायर्स। हम आपको मना कर रहे हैं कि आप जिस स्टेट में हो उससे बाहर आप बेचो मत, लेकिन हमने आपको इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं किया कि आप जिस स्टेट में हो बाहर दूसरे स्टेट से खरीदो मत, क्योंकि वहां का टैक्स हमें मिल जाता है, आप बेच बाहर नहीं सकते, बेचना आपको अपने स्टेट के अंदर ही पड़ेगा। ओके, ये बात वैसे हम पहले ही समझ गए थे, लेकिन फिर भी लॉ ने कहा तो पढ़ लिया। आइए सबसे पहले अमेंडमेंट की तरफ ले चलता हूं आपको। अमेंडमेंट नंबर वन, इसको समझने के लिए आपको सबसे ऊपर आना पड़ेगा। भैया अभी तक हमने जो पढ़ा था इसमें, इस वाली कैटेगरी में, आप एक मैन्युफैक्चरर थे लेकिन अदर देन दिस थे, ठीक है, आप ये वाले मैन्युफैक्चरर थे। ओके, आप सप्लाईज में थे, लेकिन आप कौन से सप्लाई में थे? रेस्टोरेंट कैटरिंग वाली सर्विस, ठीक है। फिर आप ट्रेडर थे, तो एनी अदर सप्लायर, ट्रेडर है या एनी अदर सप्लायर है वो इसमें आता था, कंपोजिशन 10 जैसे ट्रेडर एजेंट वगैरह। यहाँ पे अमेंडमेंट दी गई और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि भाई साहब आप ना कुछ लिमिट तक सर्विस भी दे सकते हो, अमेंडमेंट ये थी। अच्छा, ये लिमिट क्या है, आइए देखते हैं। अमेंडमेंट नंबर वन, सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, सर्विसेज जो है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस तो आपकी है ही है, प्लस उसके साथ भी आप कुछ हद तक सर्विस दे सकते हो। इस लाइन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि रेस्टोरेंट सर्विस वालों के ऊपर ये अमेंडमेंट नहीं है, इसके कहने का ये मतलब है कि रेस्टोरेंट सर्विस वाले अपनी जो सर्विस दे रहे थे जो ऊपर अलाउड था वो तो है ही है, प्लस इन एडिशन उसके अलावा भी कुछ हद तक आप सर्विस दे सकते हो। वो सर्विस क्या हो सकती है? वो कह रहा है कि विद सप्लाईज ऑफ गुड्स अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब ऊपर जो लिमिट दे रखी है वो तो है ही है, लेकिन साथ में हम आपको सर्विस, एडिशनल सर्विस देने के लिए कि आप तीनों कैटेगरी जो हमने ऊपर बताई थी वो तीनों ही यहाँ पे सर्विस जो है वो दे सकते हैं, आप तीनों ही कुछ हद तक सर्विस दे सकते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। दिस स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग, ये जो वैल्यू है एक्सीड नहीं करेगी किससे सर, 5 लाख और 10% ऑफ योर टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लेते हैं। रामकृष्णा हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 1920, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 1819 इज 17 लाख एंड फाइनेंशियल ईयर 1920 उसकी टर्नओवर कितनी सर, 70 लाख है, तो 70 लाख का 10% 7 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। सर ये 70 लाख ना हो गए 80 लाख होता तो 80 लाख का 10% यानी 8 लाख विच एवर इज हायर। सर ये 100 लाख होता उसका 10% तो उसका 10% होता आपका 10 लाख विच एवर इज हायर यानी 10 लाख। ये कहता है आपसे, ओके मतलब मेरी टर्नओवर का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर। सर मेरी टर्नओवर थी 20 लाख और 5 लाख तो 20 लाख का आप 10% लोगे तो कितना आएगा, 2 लाख, 2 लाख और 5 लाख विच एवर है सर 5 लाख इज हायर। इतने लिमिट तक की मैं एडिशनल सर्विस दे सकता हूं, ये मुझे कहा गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, एक इंपॉर्टेंट नोट है, जरा ध्यान सुनेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स लोन एडवांसेस सो फॉर द कंसीडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नाइदर बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर नोर फॉर द स्पेसिफिक लिमिट। ये क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है, आप डिपॉजिट्स वगैरह करवाते हो, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट की लिमिट बढ़वाना या फिर लोन्स अवेलेबल करवाना, एडवांसेस अवेलेबल कराना, तो इन सब पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी लिए कहा जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट की जो सर्विस आपको मिल रही है ये इसमें कवर्ड नहीं हो रही है, ना तो ये कवर्ड हो रही है आपके एग्रीगेट टर्नओवर में, ना तो ये स्पेसिफाइड यानी 5 लाख के लिमिट में कवर्ड हो गए। तो सर मैंने विथिन ए 10 मिनट आपको ये अमेंडमेंट जो है वो कवर अप करा दिए आपके रूल 5 के साथ। अब यहां पे आते हैं ऑप्शन 2 पे, कंसेशनल टैक्स आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, यानी ये जो ऊपर ऑप्शन था, ये जो हमने 3 बातें पढ़ी थी ये तो है ही है,
प्लस यू कैन से इन एडिशन फोर्थ पॉइंट हमें मिल रहा है। अच्छा वो क्या है, आइए सुनते हैं। इन व्यू ऑफ द सेट पावर ऑफ द गवर्नमेंट, अच्छा ये वाला नहीं था, ये यहां से ऑप्शन टू पे कंसेशनल टैक्स एट द रेट 3%, ये 3% के हिसाब से आप टैक्स पे कर सकते हो। और ये कौन सा एक्ट है सर, सीजीएसटी, यानी सीजीएसटी में 3%, तो 3% हमें एसजीएसटी में भी पे करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल ये हमें 6% का कायदा कानून टैक्स रेट दे रहा है। 3% नहीं है वो, 3% सीजीएसटी में है, तो सीजीएसटी इक्विवेलेंस टू एसजीएसटी, यानी ओवरऑल 6% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हमें इस लिमिट के अंदर आना है तो। सर ये है क्या, जरा हमें समझाइएगा। आइए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एप्लीकेबिलिटी कहां है सर, अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर हुज एग्रीगेट टर्नओवर, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, डज नॉट एक्सीड 50 लाख। तो सर अगर हम उस 1.5 करोड़ वाले टर्नओवर में रहते जो पहले था 1.5 करोड़, तो ये तो ऑलरेडी उसमें कवर्ड हो गया। हाँ सर कवर्ड हो गया, लेकिन यहां पे कुछ स्पेशल लाइन लिखी आने वाली है, जो अगर वहां पे आप कवर नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग जो सर्विस देते हैं वो यहां आ सकते हैं, स्पेशली बनाया ही उन लोगों के लिए जो सर्विस देते हैं। अभी देखो ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले को अगर आप जाके चेक करो तो वहां पे सर्विस में सिर्फ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस को कवर किया गया था और दूसरी सर्विस को कवर नहीं किया गया था। ट्रेडर को कवर किया गया, मैन्युफैक्चरर को अदर देन लिस्ट देके कवर किया गया, और सर्विस में सिर्फ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वालों को कवर किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा बंदा हो सकता है जो शायद बाल काटता हो, एक मोची हो सकता है, एक कोई भी पर्सन, लेट सपोज एक टीचर है, वो भी यहाँ आ सकता है अगर उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे रहा है। एक डॉक्टर है, वो यहाँ आ सकता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग सर्विस दे रहे हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस, जो पूर्णतः कवर्ड होते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर। यहां पे एक लाइन ऐड की गई, ये लाइन समझने के लिए हो सकता है आपका दिमाग आउट कर जाए, लेकिन कृपया करके मेरे तरीके से इसे पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कृपया करके इसे तमीज से पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा एक एक शब्द, हु इज एंगेज इन द सप्लाई, जो सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज है। अच्छा, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, क्यों, वो तो ऊपर ही कवर्ड है। अलॉन्ग विद द सप्लाई, मतलब आप सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो, कोई सी सर्विस दे रहे हो, प्लस साथ के साथ आप कौन सी सर्विस दे रहे हो, सर हम गुड्स देते हैं, ठीक है, ओके फाइन, बट वो 5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा एग्रीगेट टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख, तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 लाख की लिमिट दी गई है, और रेस्टोरेंट सर्विस वैल्यू एक्सीडिंग 5 लाख, मतलब आप अगर कुछ और सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो और आपकी लिमिट सिर्फ 5 लाख तक है, और मतलब आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो या सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहे हो और वो मैक्सिमम 5 लाख तक है। दोबारा से सर, दोबारा से समझ में नहीं आया, आप इस लिमिट में आ सकते हो, आप कोई भी सप्लाई दे रहे हो। सर मैं ना एक टीचर हूं, मैं ना पेन ड्राइव्स सेल करता हूं, मेरे ऐप के थ्रू बच्चे वीडियोस देखते हैं, लॉ के वीडियोस देखते हैं, टैक्स के वीडियोस देखते हैं, मेरा मोबाइल ऐप है सी ए ड्रीमर्स एवेंजर, उसमें बच्चे वीडियोस देखते हैं, ओके, तो आप गुड्स भी देते हो क्या? हाँ सर मैं गुड्स देता हूँ। सर कौन से? सर मैं अपनी बुक्स भेजता हूँ, इट इज इन कैटेगरी ऑफ गुड्स, ओके, तो मेरी बुक कितने की सेल होती है? सर ओवरऑल मैक्सिमम 5 लाख तक की, तो सर्विस 50 लाख मैक्सिमम, और 5 लाख तक का ही सिर्फ गुड्स दे रहा हूँ तो मैं यहाँ कवर हो जाऊंगा, ओके। दूसरा उसने क्या कहा, आप सर्विस दे रहे हो, एनी सर्विस, हाँ सर एनी सर्विस, प्लस अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो तो वो भी मैक्सिमम 5 लाख तक की होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ओके। नाउ यहाँ पे क्या कहा गया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड सर्विस बाय योर एक्सटेंडेड डिपॉजिट्स लोन एडवांसेस शो फॉर कंसीडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, कि ये वही वाली बात है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि भैया ये टेकन इनटू अकाउंट नहीं होगा, मतलब आप जब 50 लाख की कैलकुलेशन करोगे तो इसको काउंट नहीं करोगे, ओके। तो सर ये कैसे काम करता है, ये 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी मिला के 6% हो जाता है, और आपने कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर टैक्स रिसीव किया, एक बार दोबारा से बोलो, आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर कोई टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपने कोई ऐसी सर्विस ली है तो, अगर थिंक मैंने कोई रॉन्ग वर्ड बोल दिया पीछे उसके लिए सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। लाइन क्या है, ये लाइन ये है कि अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे आप रिसीवर ऑफ द सर्विस है और आप पे आरसीएम लगता है, तो आपको नॉर्मल रेट में आके उस क्वांटिटी पे या उस सर्विस पे उस रेट से टैक्स देना होगा जैसा आरसीएम में प्रिस्क्राइब्ड होगा, ओके। नाउ टैक्स रेट अप्लीकेबल ऑन, इससे पहले कुछ बातें पढ़ा दूं,
बेनिफिट ऑफ आईटीसी, अगर आप कंपोजिशन में आएंगे आईटीसी नहीं मिलेगा, इनवॉइस में आप बिल ऑफ इनवॉइस ही इशू कर सकते हो, और वन रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन, तो ये वैसा ही है जैसा कि अब तक आप पढ़ते हुए हो कि आपके पेन के ऊपर जितने भी भेज दें सबको यही लेना पड़ेगा अगर आप ये लेना चाहते हो तो, सिंगल यही है तो ठीक है। अगर आपने अदर में भी बहुत सारी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आप ही का पेन लगा हुआ है, तो आप अगर इस स्कीम में आ रहे हो तो सबको यही लेना पड़ेगा, आप इंडिविजुअली सिर्फ इसमें नहीं आ सकते। ओके, बाकी अदर कंडीशंस सेम है आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि आप इतनी सारी कंडीशंस पढ़ चुके हो कि ये आप पढ़ सकते हो, मुझे इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ये बहुत बार पढ़ चुके हो इस चैप्टर के अंदर ही। ये आता है टैक्स रेट अप्लीकेबल ऑन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख। पहली बार आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख तक होना चाहिए, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, मतलब आपका टोटल टर्नओवर 50 लाख से कम रहना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इस बात का ख्याल रखना है आपको। अ पर्सन हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हु पे टैक्स ऑन द अमाउंट अबव थ्रेशहोल्ड लिमिट। लेट सपोज, ये क्या कह रहा है सर, ये अप्रैल मई जून यहां पे मैं 5 लाख की सेल कर पा रहा था, यहां 15 लाख की, और जून या जुलाई आया यहां मेरी सेल हो गई 22 लाख की, तो सर यहां पे 20 लाख क्रॉस हो गया, तो आप पिछले साल में यहां पे जो टैक्स पे करेंगे वो इस वाले अमाउंट पे टैक्स पे करेंगे। जिस दिन आपका 20 लाख का लिमिट क्रॉस हुआ वही है पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर पे टैक्स ऑन द अमाउंट अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर, सर ये है 20 लाख। आई थिंक यू गॉट क्लियर कि जब भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे कैसे पता कि मुझे इस साल ये स्कीम लेनी है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा मेरा 20 लाख कब क्रॉस हुआ, तो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी के अंदर 6% के हिसाब से, 6% में 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी। ओके, फर्दर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन करोगे एग्रीगेट टर्नओवर यानी 50 लाख को कैलकुलेट करने की, तो आप सिर्फ इतना नहीं लोगे, तब आप पूरा साल का कैलकुलेट करोगे, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल। वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब हम 50 लाख कैलकुलेट करेंगे तो जिस दिन थ्रेशहोल्ड पे आप पहुंचे उस दिन से नहीं काउंट करेंगे, स्टार्ट से काउंट करेंगे कि ये 50 लाख के अंदर आता है या नहीं आता है। इसी के साथ सर आपका कंपोजिशन टॉपिक खत्म, और कुछ भाइयों और बहनों का मैसेज आ रहा था कि सर हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, तो आइए देख लेते हैं फटाफट। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, वैसे एग्जेम्पशन से पहले मेरा मूड था मैं वो सप्लाई वो टैक्स में टाइमिंग ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा दूँ, लेकिन कोई नहीं एग्जेम्पशन आ रहा है तो एग्जेम्पशन ही पहले डील कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एग्जेम्पशन, इस पर अराउंड मुझे 4 to 6 जो है लेक्चर्स लग सकते हैं, तो इसे मैं 80-20 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कराने वाला हूँ। जो एग्जाम में आने वाला है उस पर मैं फुल अटेंशन के साथ फुल एनर्जी के साथ कराऊंगा, जो एग्जाम में नहीं आता है उसको पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे और हाईलाइट कर लेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्पीड के साथ मेंटेन करते हुए उसको पढ़ेंगे। चलिए अलविदा चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।